Today we will discuss about applications of PN junction diode. Here it is. One is rectifier. There are two types of rectifier: half wave rectifier and full wave rectifier. Second is optoelectronic junction devices, in which three sections are there, three segments. One is photodiode. Second is light emitting diode, in short LED or solar cell. Number three is special purpose PN junction diode, which is zener diode. So today we will study about the rectifier. Let us discuss rectifier, an electronic device which converts AC into DC is called rectifier. Principle is, rectifier is based on PN junction diode because it provides high current during forward biasing and nearly zero current during reverse biasing. Means रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ओनली दैट प्रिंसिपल विच यू नो वेरी वेल इन विच ओनली फॉरवर्ड बायसिंग अलाउज द करंट एंड रिवर्स बायसिंग डज नॉट अलाउड एनी करंट ओके सो लेट्स डिस्कस फर्दर अबाउट द रेक्टिफायर फर्स्ट वी विल चूज हाफ वेव फर्स्ट वी विल टेक हाफ वेव रेक्टिफायर चलिए शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर तो देखिए हमें करना क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर मीन सी जो रेक्टिफायर है सिर्फ हमारे इनपुट एसी सिग्नल की हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा लाइक दिस विल बी द आउटपुट वेव डायग्राम विल डिस्कस हियर तो इसके लिए नियर अबाउट 220 वोल्ट सप्लाई हमारे घर में आती है और हमें अपना मोबाइल चार्ज करना है मोबाइल 220 वोल्ट पे काम नहीं करता तो हमें उसके वोल्टेज को डाउन करना होगा रेक्टिफायर ये काम नहीं करेगा ये काम हम ट्रांसफार्मर से करना सीख चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट जो हमने चैप्टर पढ़ा था 7th चैप्टर तो ये हमने एक अपना ट्रांसफार्मर लगाया इस अपने डायोड से पहले आप देख सकते हैं जैसे डायोड पीएन जंक्शन डायोड इससे पहले हमारे पास ये ट्रांसफार्मर सेक्शन लगा हुआ है इसमें प्राइमरी कॉइल में एसी इनपुट लगाया है और सेकेंडरी कॉइल के साथ जिससे हमें आउटपुट ले रहा है वहाँ पर हमने अपना रेक्टिफायर मीन्स पीएन जंक्शन डायोड लगाया है जो कि हाफ वेव को अभी रेक्टिफायर करने वाला है बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर जो भी वोल्टेज हमें चाहिए उस वोल्टेज के हिसाब से हम अपना ट्रांसफार्मर यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर चूज कर लेते हैं स्टेप डाउन स्टेप अप जितना भी वोल्टेज हमें बनाना उसके लिए हम यूज करते हैं उसके बाद वो वोल्टेज हमारी फिक्स होगी फाइन तो वो वोल्टेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप कितना भी चेंज कर लें फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी जो हमारे घर में सप्लाई आती है इंडिया के लिए आप सब जानते हैं 50 हर्ट्ज एक सेकेंड में 50 साइकिल वो कंप्लीट करेगी तो यहाँ से आने वाली इनपुट एसी सिग्नल जो आ रहे हैं इनपुट एसी अल्टरनेटिव करंट के जो कि बड़ी वोल्टेज के थे वोल्टेज छोटे होने के बाद भी वो फ्रीक्वेंसी इतनी है कोई चेंज नहीं होगा ठीक है 50 ही साइकिल बनेगी एक सेकेंड के अंदर 50 हर्ट्ज ही उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ओके तो अभी क्या होता है कि ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल इस फर्स्ट हाफ साइकिल में आप देखिए ये करंट का ग्राफ है और इधर टाइम चल रहा है टाइम और ये है करंट दोनों ही हमारे सेम ग्राफ है इनपुट भी वही है और आउटपुट भी वही है ओके तो अभी इसमें क्या होने वाला है करंट में अगर देखिए करंट पॉजिटिव है इस तरफ करंट नेगेटिव है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जीरो से पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम जाती है फिर जीरो होती है मीन्स कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट है हमारी सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल में ये लगाया है हमने हमारी यहाँ पर आ गई वोल्टेज तो यहाँ से इस करंट एक बार ऐसे चलेगी हाफ साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल में इस तरह से फ्लो होगी फिर सेकेंड हाफ साइकिल में करंट इस तरह से फ्लो होगी तो देखिए आउटपुट में भी क्या मिल रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल दिस टर्मिनल सपोज दिस टर्मिनल इज ए दिस टर्मिनल इज बी ए विल बी पॉजिटिव बी विल बी नेगेटिव या अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एन तो ये कौन सी बाइसिंग हो गई दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड यू नो वेरी वेल फॉरवर्ड बाइसिंग अलाउज द करंट मीन्स ये जो हमारा डायोड है पीएन जंक्शन डायोड
वापस आ जाएगी, अपना सर्किट कंप्लीट कर दिए फर्स्ट हाफ साइकिल में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट जैसी यहाँ से निकल के गई ट्रांसफार्मर के बाद, वैसी की वैसी ही लोड में चली गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमें यहाँ से ऐसा मिल गया सेम, ये है आउटपुट ग्राफ। अभी डीसी है कि नहीं अभी पता चलेगा, ये सेम हमें ग्राफ ऐसा ही मिल गया, जैसा भी हमने इधर वोल्टेज बनाया होगा उसके हिसाब से ये हमारी वोल्टेज का ग्राफ आ जाएगा। अभी हम करंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये करंट है जीरो और इधर पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट के टाइम एज यूजल, और इधर करंट आई लिख देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा हो, सेकेंड हाफ साइकिल में देखिए, सेकेंड हाफ साइकिल में जो इनपुट एसी करंट है हमारी वो रिवर्स हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, जैसे ही अपोजिट होगी मतलब अब जो करंट यहाँ से बन के अंदर पहुँचेगी वो करंट अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अपना डायरेक्शन बदल देगी, ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसे हो जाएगी तो करंट इस तरह से घूमेगी, करंट अगर इस तरह से घूमेगी तो अब की बार जो ए टर्मिनल है वो हो जाएगा नेगेटिव और बी टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, अब नेगेटिव होते ही नेगेटिव पी टाइप से कनेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव एन टाइप से कनेक्ट हो जाएगा, और ये रिवर्स बायसिंग बन जाएगी एंड रिवर्स बायसिंग डज नॉट अलाउ एनी करंट टू बी फ्लोन थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट में रिवर्स बायसिंग करंट टू फ्लो को अलाउ नहीं करती, ओनली फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन से ही करंट फ्लो होती है। मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड नो करंट विल बी फ्लोन थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस। कोई भी हमारा मोबाइल है कुछ भी है वो टाइम तो बीतता रहेगा लेकिन कोई करंट उसके पास से नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी तो उस टाइम में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमारा फ्लैट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर घूमने के बाद फिर से ये साइकिल वापस आएगी, फिर जैसे वापस हो जाएगी, वापस होते फिर से ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव होते ही फिर फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन हो जाएगी, फिर करंट आ जाएगी, फिर सेम वही वापस घूमना शुरू हो जाएगा और इसका ग्राफ में फिर से आउटपुट में करंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो अपन करंट की वैल्यू बना दें। किस डायरेक्शन में मिलती है, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने देखा करंट पी टू क्यू फ्लो होती, फिर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती सेकेंड हाफ साइकिल में। थर्ड हाफ साइकिल में हमने देखा फिर से करंट ऐसे जाती है, फिर से करंट अलाउ हो जाती है, फिर पी टू क्यू जाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यूनि डायरेक्शनल करंट है। जब भी जाती है या तो जीरो हो जाती है या फिर जिस डायरेक्शन में पहले थी वैसे ही जाती है। तो इसमें हमारी आप देख सकते हैं कि आधी वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ है, आधी वेव हमारी बंद हो गई, उसमें हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं, तो इसलिए इसका नाम हमने दिया हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता। इसमें हमारा लॉस ये होता है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में पहले क्या हो रहा था समझ लीजिए ध्यान से, कि जब हमने रेक्टिफायर डायोड नहीं लगाया हुआ मान लीजिए नहीं, तो हमें ये आउटपुट्स मिलेंगे ट्रांसफार्मर के बाद जो होता, उसमें हमने मोबाइल लगाया है ऐसे। अब मोबाइल की जो बैटरी होती है वो आप सब जानते हैं, मोबाइल को हमें चार्ज करना है उसकी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स, मान लो ये प्लस है ये माइनस है बैटरी का, तो उस बैटरी में प्लस से माइनस करंट जा, तो वो प्लस से माइनस करंट एक ही आधी साइकिल में जाएगा और आधी में जाएगा, क्योंकि ये तो उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसको वो ले गई, इसलिए यहाँ पर हमारा ये टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और ये एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी सिर्फ ट्रांसफार्मर का। आप रेक्टिफायर लगाने से क्या हुआ, हाफ वेव भी लगाया, चलिए हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया, हाफ वेव रेक्टिफाई करने से ये हाफ वेव रेक्टिफाई हुई, फिर रेक्टिफाई हुई, यहाँ जीरो, यहाँ पे करंट जीरो, तो आप देख रहे हैं टाइम तो अभी भी उतना ही लग रहा है क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है इनपुट और आउटपुट वो बराबर है 50 हर्ट्ज़, अभी चेंज उसमें कोई चेंज हमने नहीं करा, सही है, वो हम नहीं कर सकते चेंज की हेल्प से, कोई अगर फंडामेंटल हो गया उससे हम देखेंगे, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, फ्रिक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी वही रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है टाइम भी वेस्ट हो रहा है एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, अभी क्या हो रहा है देखिए टाइम तो वेस्ट हो रहा है लेकिन एनर्जी हमारी बच गई, हमारी बिजली बच गई, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेफ हो गई, ठीक है। ये बेनिफिट हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से मिला, ध्यान से समझते जाइए एक एक स्टेप को। अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाए, पूरी की पूरी वेव एक डायरेक्शन में आ जाए, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हम चाहते हैं अभी अभी अपने हाफ वेव रेक्टिफायर में सीखा
कि हाफ वेव कैसे रेक्टिफाई होती है, और अब हम चाहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफाई हो जाए। तो ये हमारा डिवाइस लगा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद इसमें हम क्या करते हैं, फुल वेव को रेक्टिफाई करने के लिए दो डायोड यूज करते हैं, दिस इज D1, दिस इज D2। ये पी एन जंक्शन डायोड है, ये दूसरा पी एन जंक्शन डायोड है। यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा उस आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी रहेगा करंट का वो 50 हर्ट्ज़ रहेगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब करंट इस तरह से फ्लो होगी, मतलब ऐसे साइकिल चलेगी क्लॉक वाइज, तो ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और इनके बीच में एक पॉइंट है सी, ये है सेंट्रल टैपिंग। यहाँ से हमने वायर के थ्रू ये अपना लोड रेजिस्टेंस दोनों डायोड D1 और D2 के बीच में लगाया। लोड रेजिस्टेंस है मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, जो भी हम लगाना चाहते हैं, कैमरा, जो भी हम लगाना चाहते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम इसमें लगा सकते हैं। कैमरा ना भी लगाएं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट इससे लो पोटेंशियल पर होगा और इस पॉइंट से हाई पोटेंशियल पर होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इनके बीच में एक पॉइंट है। बीच वाला पॉइंट मान लीजिए 10 इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और ये -10 वोल्ट है। तो बीच में कोई भी पॉइंट है वो +10 से कम रहेगा और -10 से ऊपर रहेगा, ठीक है। मतलब ए और सी का अगर हम कंपेयर करेंगे तो सी लो पोटेंशियल पर रहेगा ए से, लेकिन बी से वो हाई पोटेंशियल पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल। जब ये हुआ तो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड विद दिस D2। पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप सेमीकंडक्टर, मीन दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, दिस विल अलाउ द करंट, ये करंट को अलाउ करेगा, करंट इस तरह चलेगा। यहाँ नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप, मीन दिस रिवर्स बायसिंग, D2 इज रिवर्स बायसिंग इन फर्स्ट हाफ साइकिल, D1 इज फॉरवर्ड बायसिंग, मीन्स D1 अलाउज द करंट। अब D1 करंट को तो अलाउ कर देगा, लेकिन वो करंट जाएगी कहाँ से, इस सेक्शन में तो करंट जा नहीं सकती क्योंकि D2 तो करंट अलाउ नहीं कर रहा, रिवर्स बायसिंग है। तो ये पूरा सेक्शन हमारा खाली हो गया, इसमें कोई भी करंट नहीं है। D1 से भी जो करंट जाएगी वो करंट अपना लो पोटेंशियल ढूंढेगी, यहाँ तो जा नहीं सकती क्योंकि रिवर्स बायसिंग है। तो ये करंट इधर से ऐसे चलते हुए पी से होते हुए सेंट्रल टैपिंग को यूज करके यहाँ से अपने ए टर्मिनल पर वापस आ जाएगी, और इस तरह से करंट इसमें हमें आउटपुट में मिलेगी। इस आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में P2Q करंट फ्लो हो जाएगी और ये ग्राफ हमारा बन गया, करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में होगी। फिर सेकेंड हाफ साइकिल में देखिए, सेकेंड हाफ साइकिल जैसे ही करंट ऐसे चलेगी तो करंट इस तरह मूव करना चाहेगी, जब इस तरह मूव करेगी तो दिस एंड विल बी नेगेटिव, दिस एंड विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक बार आप फिर देख सकते हैं, ए लो पोटेंशियल हो गया, बी हाई पोटेंशियल हो गया, बीच वाला सी इन दोनों के बीच में। अब वो बी से तो लो पोटेंशियल पे है लेकिन ए से हाई पोटेंशियल पे है, होने दीजिए कोई भी पोटेंशियल हो, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब इसमें ये होगा कि ये नेगेटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कनेक्ट हो गया, मतलब ये D1 हमारा रिवर्स बायसिंग हो गया सेकेंड हाफ साइकिल में, और D2 प्लस से कनेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में अबकी बार सेकेंड हाफ साइकिल में D2 भी लगा होगा करंट, जो करंट यहाँ से आएगी इस करंट को ये आगे बढ़ा देगा और इस तरह से भेज देगा। इधर रिवर्स बायसिंग बना हुआ है तो इस सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये जो करंट यहाँ से जा रही है अपना लो पोटेंशियल टर्मिनल ढूंढेगी, और लो पोटेंशियल टर्मिनल इसको ये वाला नहीं, सेंट्रल टैपिंग से इसको अपनी अपना काम चला लेगा, और सेंट्रल टैपिंग से ये वापस इस तरह से आ जाएगा, करंट इस तरह से अगेन इन द लोड रेजिस्टेंस विल फ्लो फ्रॉम P2Q, सेम वो ही डायरेक्शन में। फर्स्ट हाफ साइकिल में P2Q जा रही थी, अब की बार भी P2Q ही जा रही थी, तो फिर से हमें वो फुल वैल्यू मिल गई। इस तरह से ग्राफ बन गया, ये ग्राफ हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे करंट काम होती बढ़ती ऐसे चलता जाता है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर से क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसमें इधर वाला फिर से फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, ये अलाउ कर देगा, ये नहीं करेगा, फिर से करंट इसी तरफ मिल जाएगी, करंट ऐसे घूमेगी पीछे क्यों जाएगी, हर बार ये ग्राफ हमें मिलता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो जब कोई भी रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ था, केवल ट्रांसफार्मर था, तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा था।
फिर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया जिससे हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ लेकिन एनर्जी बच गई। फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर करने की कोशिश की और हमने देखा कि अब हमारा जो टाइम है वो तो लग ही रहा है और एनर्जी भी हमारी लग रही है, लेकिन वो एनर्जी यूज भी हो रही है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं लगा होता तो एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है, एनर्जी वेस्ट। मोबाइल में ये चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा, क्योंकि मोबाइल में तो प्लस से माइनस है और प्लस से माइनस होने से कनेक्ट नहीं होगा। तो इधर से जब करंट हमारी इनपुट वाली जाएगी एसी, तो वो उसको करेंगे चार्ज। तो अब देखिए हमारी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, यूज भी हो रही है और टाइम हमारा यूटिलाइज हो गया। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि ये जो आप देख रहे हैं आउटपुट, ये आउटपुट है, इस आउटपुट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें क्या फुल रेक्टिफिकेशन हो गया, आपका आंसर है यहाँ सब एक डायरेक्शन में हो गए सारे के सारे हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें करंट जीरो से मैक्सिमम होती है, मान लीजिए 10 एम्पियर तक जाती है, 10 एम्पियर होती है, फिर जीरो होती है, फिर 10 एम्पियर होती है, 9870 होती है, फिर 10 होती है, जीरो होती है, 10 होती है। तो इसमें बार बार एक ऑल्टरनेटिंग चेंज आ रहे हैं, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो इसके अंदर पास ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर भी है और सारे के सारे एक ही तरफ है, इसलिए इसके पास डीसी भी, इसके पास कौन कौन सा नेचर है, बताओ आंसर इज बोथ द नेचर दिस आउटपुट डीसी में है। मीन्स इसके पास एसी नेचर भी है और डीसी नेचर भी है। एसी नेचर इस सेंस में है कि कम ज़्यादा हो रही है और डीसी सबके सब एक ही तरफ चल रहे हैं, चाहे कम ज़्यादा भी हो रही है लेकिन एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे दूसरे डायरेक्शन में लगा हुई। फाइन, तो अब हम इसको फिल्टर करेंगे, इसके अंदर जो एसी सेगमेंट्स हैं उनको भी और प्योरीफाई करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो आपकी 50 हर्ट्ज की साइकिल है, इस 50 हर्ट्ज की साइकिल में जब आपकी जो एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक फुल एक वेव कंप्लीट होगी, एक वेव, इस वेव का जो टाइम है दैट इज 0.02 सेकेंड्स, 0.02 सेकेंड्स है, न्यू इज इक्वल टू 1.2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होने वाला है कि कटकटा करता टू, इसमें ये हो रहा है कि जब करंट हाई होती है तो एक बार पावर मैक्सिमम होती है, दो बार पावर मैक्सिमम होती है, एक वेव में दो बार पावर मैक्सिमम होती है और बाकी सब उससे कम 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 करंट है, कम पावर है, मतलब देर लगी हुई आपके मोबाइल को चार्ज होने में। तो हम चाहते हैं कि जो ए सी सेगमेंट से बढ़ जाए और ऑलमोस्ट मैक्सिमम करंट ही रहे, एक डायरेक्शन में भी हो गई, अब ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि एक ही करंट रहे, 10 एम्पियर अगर मैक्सिमम है तो 10 ही एम्पियर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाए 7 हो जाए इससे नीचे ना। तो इसका कुछ करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज देखना पड़ता है, दैट इज फिल्टर डिवाइस। उस फिल्टर डिवाइस के यूज़ को आप देखिए कैसे करते हैं, फिल्टर डिवाइस का यूज कैसे हो गया भाई। चलिए शुरू करते हैं फिल्टर डिवाइस एक्शन। फिल्टर के एक्शन समझने के लिए आप देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर से सारा रेक्टिफिकेशन हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर जो एसी कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारी करंट की वैल्यू कम होती है, पावर की वैल्यू कम होती है और मोबाइल हमारा देर में चार्ज होता है, या करंट की वैल्यू कम होने से पावर की वैल्यू घटती बढ़ती है, हम चाहते हैं घटे बढ़े नहीं एक ही, तो उसके लिए हम क्या काम करने वाले हैं, फिल्टर एक्शन हम लगाने वाले हैं। एसी को फिल्टर कर देंगे, डीसी को प्योरली हम लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने अपना डिवाइस पुराना फुल वेव रेक्टिफायर वाला, उसमें ये हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा था, उसके टर्मिनल से हमने वायर लगाए और वायर लगा के वायर को हमने यहाँ से निकाला एक टर्मिनल से और एक टर्मिनल से ऐसे ब्रिजिंग करके यहाँ से बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हम अपना आउटपुट लगाने वाले, मोबाइल लगाने वाले या जो भी आउटपुट हम लेने वाले हैं वो हम यहाँ लगाने वाले। और इससे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया, ये कैपेसिटर हमने अटैच किया और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस अटैच किया है, हाई रेजिस्टेंस अटैच किया। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस कंप्लीट सर्किट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने अलग से नया बनाया है, यही फिल्टर डिवाइस है। देखिए कि वर्क कैसे करेगा, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। आई इज इक्वल टू बी अपॉन ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू बी अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
ठीक है, तो ये टाइम भी हमने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, 50 साइकिल का टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है यहाँ भी और यहाँ भी, और 1 साइकिल 1/50 में होगी, 0.02 सेकंड में 1 वेव बनेगी, 1 साइकिल कंप्लीट होगी। यहाँ से यहाँ तक का ये जो टाइम है ये 0.02 सेकंड है, 0.02 सेकंड में 1 वेव बन जाएगी, 1 साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आधी कितने में बनेगी, 0.01 सेकंड है, वेरी गुड। तो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक का टाइम देखेंगे क्रेस्ट टू क्रेस्ट का, आप देख सकते हैं दिस सेक्शन इज 0.01 सेकंड। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसे आप लोग। 1 क्रेस्ट टू सेकंड क्रेस्ट कितना टाइम है, 0.1 सेकंड। यहाँ भी वही एकदम चाहिए ये वाली वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हम इन दोनों रेक्टिफायर के बाद हमने वायर लगाया है, ये वायर जिसमें हमारा लोड में यहाँ वैल्यू दे रहे थे वहाँ पर हमारी ये वाली करंट आ रही है। इस करंट के अब आगे हम देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की ये खासियत है कि ये एसी अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है और डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, ये बात हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ी है। तो ये बात हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ी है। तो जैसे ही ये टाइमर हमारा स्टार्ट होता है तो पहले करंट जीरो से मैक्सिमम होती है, जब करंट जीरो से मैक्सिमम होती है, जीरो से मैक्सिमम होते समय करंट में जीरो से मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होते होते एसी जो कंपोनेंट रहता है इसके पास, उस एसी कंपोनेंट से ही हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है हमारा कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज हो जाता है ये कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज होके, फुल्ली चार्ज होने के बाद अब देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचा कैपेसिटर हमारा चार्ज होता जाता है, कैपेसिटर हमारा चार्ज होता जाता है, ये चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, यहाँ तक फुल करंट आ गई। अब करंट कम होनी शुरू हो जाएगी, ये करंट जैसे ही कम होनी शुरू होती है तो यहाँ का पोटेंशियल गिरना शुरू हो जाता है, और वो पोटेंशियल इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल से कम हो जाता है, कम होने लगता है, कम होते 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 जीरो वैल्यू आती है इसकी, यहाँ पे जीरो करंट जो आ रही है नीचे से वो जीरो हो जाती है, और कैपेसिटर अपना जीरो होने की कोशिश करता है, डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है। तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो उसके लिए हमने लगाया हाई रेजिस्टेंस का, पर्पज आप देख लीजिए कि क्या है, हाई रेजिस्टेंस हमने लगाया कि कैपेसिटर का जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है, जो ये रेजिस्टेंस अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, करंट कम होगी, कम होते 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 कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जीरो हो जाएगी यहाँ पे करंट, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज थोड़ा फुल हो जाएगा, फिर करंट बढ़ती जाएगी, फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर भी करंट के साथ चार्ज डिस्चार्ज होता चला जाएगा, ऐसा ना हो इसके लिए हमने क्या किया कि कैपेसिटर चार्ज हो गया, एक बार चार्ज हो गया यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद अब ये करंट हमारी डाउन हो रही है, डाउन होते समय हमने क्या काम किया, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दिया साथ में इसके, हाई रेजिस्टेंस लगाने से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज तो हमारा फिक्स हो चुका है पीछे से यहाँ से ट्रांसफार्मर से, तो आर हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया, हाई रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू हो गई कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर करंट कम हो गई, करंट कम होने का मतलब क्यू अपॉन टी की वैल्यू कम, और क्यू अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, करंट का धीमा होना, चार्ज का धीरे धीरे यहाँ से जाना, डिस्चार्ज होना, तो ये हमारे हाथ में है रेजिस्टेंस की वैल्यू से। इसलिए हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया उसके हिसाब से हमने अगर रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोज डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर इज 0.1 सेकेंड, ध्यान रखिए इस बात को, हमने अगर रेजिस्टेंस लगाया है कि 0.1 सेकेंड इस कैपेसिटर का फुल डिस्चार्जिंग टाइम, अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज, उसके बाद करंट डाउन होना शुरू हुआ, इधर का पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया, इधर का पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट बाहर निकले, ध्यान से समझ लीजिए, जब जीरो से ये मैक्सिमम हो रहा था, करंट जीरो था, करंट जैसे जैसे मैक्सिमम होता गया करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती गई, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होते होते कैपेसिटर तो अंदर जीरो वोल्टेज में था, लो पोटेंशियल पे, तो चार्ज इसके पास बढ़ता चला गया, यहाँ तक चार्ज पूरा फुल बन गया, जितना बढ़ना,
उसके बाद करंट अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से नीचे जा रही है, कम हो रही है, तो यहाँ से करंट कम होनी शुरू हो गई, इधर की करंट तो फिक्स है, पोटेंशियल फिक्स है, तो अब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ढूंढता है, चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर का। लेकिन इसका जो फुल डिस्चार्जिंग टाइम है, हमने रेजिस्टेंस ऐसा लगाया हुआ है हाई रेजिस्टेंस कि उसने इसके रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को स्लो कर दिया है, जिससे 0.1 सेकंड में लगेंगे इसको पूरा डिस्चार्ज होने। अब आप देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, करंट है 10 एम्पियर की सपोज, ठीक है, अगर 10 एम्पियर करंट है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो 10 होगी, 9 होगी, इस तरह से होगी, ठीक है, या मान लीजिए 100 एम्पियर इतना भी है, तो अभी क्या होने वाला है, जैसे जैसे वैल्यू डाउन होगी, हम वोल्टेज में बात करें, मान लो यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज 100 वोल्ट सपोज, जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए वहाँ पे मैक्सिमम एक बार 100 वोल्ट हो जाता, तो 100 वोल्ट हो गया यहाँ पे आके, उसके बाद अब डाउन होगा, 99 होगा, 98 होगा, करते करते ऐसा होगा 0 होगा, फिर 1 2 3 होते होते 100 होगा, तो 100 वोल्ट से अगला 100 वोल्ट आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है इसको, तो आंसर है इसको टाइम लगने वाला है 0.01 सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन जाएगा, ये डाउन जा रहा है, 0 हो रहा है, तो उस समय पे क्या हो रहा है, देखिए कैपेसिटर हमारा कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, आप इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे साहब, देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि मैंने लिखे थे बोर्ड पर, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम हमने बनाया 0.1 सेकेंड, यहाँ पे है 0.01 सेकेंड। तो इसमें देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाया उसमें हमने देखा कि 0.1 सेकेंड में तो फुल 100 वोल्ट डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो हमने देखा कि 1 सेकेंड में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाया, 1000 वोल्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा 1 सेकेंड में, जब तक 1 सेकेंड होगा तो 0.1 सेकेंड, ऐसे हमने यूनिटरी मेथड नाम लगाया। अब 0.01 सेकेंड में हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 0.01 सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला 10 वोल्ट, मतलब 0.01 सेकेंड, मतलब यहाँ पर जो करंट हमारी पीछे से आ रही है, वोल्टेज आ रही है 100 वोल्ट आ रही है, फुल करंट आ रही है, उसको फुल से फिर दूसरा फुल आने में 0.01 सेकेंड लगेगा, और उतनी देर में कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर सिर्फ 10 वोल्ट डिस्चार्ज होगा, 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, 10 वोल्ट डिस्चार्ज होगा, उतनी देर में फिर फुल करंट होगा, फुल वोल्टेज होगा, फुल करंट, फुल वोल्टेज, फुल पावर, तीनों फुल हो गए, फुल होते ही फिर ये 100 हो जाएगा, कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हुआ, 10 डिस्चार्ज हुआ, 100 था 90 रह गया, 100 और 90, 100 वोल्ट 90 कैपेसिटर के पास, तो फिर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, फिर से क्या होगा, 100 से 3A इसको देना शुरू कर देगा, फिर 90 करके रहेगा, मतलब 90 से 3A 100 होना शुरू हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो कैपेसिटर के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कैपेसिटर की जो वैल्यू रहेगी, जो चार्ज रहेगा, पोटेंशियल रहेगा, वो 90 से 100 से 90 ऐसा रहेगा, समझ रहे, तो इतना रहेगा और बाकी जो वैल्यू रहेगी वो सारी कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, 100 में से इसको कितना देना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए, 100 से इसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 10 वोल्ट देना पड़ेगा, 90 वोल्ट आगे निकल जाएगा, 90 वोल्ट आगे चला जाएगा, फिर ये 10 कम हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा 100 90 100 90, और ये जो हमारा जो वेरिएशन ऑफ ग्राफ है, ये वेरिएशन ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मान लीजिए 90 की वैल्यू ये, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और मतलब देख सकते हैं 90 100 90 100 ऑलमोस्ट सीधा हो गया है, ये है हमारा फिल्टर डिवाइस, फिल्टर एक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर डिवाइस, में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही था, रेजिस्टेंस हाई लगा रहे थे, करंट की वैल्यू कम, करंट की वैल्यू कम होने से कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना कम,
मतलब देर में डिस्चार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है इसका डिस्चार्ज होना, कम हो जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, कम हो जाता है, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपने डीसी कंपोनेंट को आगे ले जाते हैं। 100 का 10 इसमें बार बार बिजी होता रहता है और बाकी 90 आगे जाता रहता है 7 से। तो ये आप देखिए 90 100 90 100 में पावर ऑलमोस्ट जो रहेगी हमारी वो भी रेक्टिफाई होगी, समझ रहे हैं, वोल्टेज करंट और पावर भी हमारा सबका रेक्टिफिकेशन इसके अंदर हो गया। दिस वॉज द फिल्टर डिवाइस, ऑल अबाउट द रेक्टिफायर।